को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है और लाइक किया है, और उन सभी को धन्यवाद। और देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज है संडे और मैंने अपनी फ्रिज की क्लीनिंग करी, तो मैं सोची यार थोड़ा मैं आपको अपना फ्रिज भी शेयर कर दूँ, दिखा दूँ। तो ये देखिए सीलन क्या है, और ये डबल डोर फ्रिज है और मुझे काफ़ी डिज़ाइन इसकी पसंद आई थी। इसके पहले मेरे पास सैमसंग का था, लेकिन अब मैंने गोदरेज का लिया है। और ये देखिए मैंने इस पर स्टिकर चिपका रखी हूँ, और ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन वाला और काफ़ी अच्छा कलर है। और पहले मेरे पास ब्लैक कलर था, उसके भी अच्छी डिज़ाइन बने थी। तो इसकी कैपेसिटी 350 है लीटर, और ये पावर सेविंग है, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, 100% ग्रीन इस पे लिखा हुआ है। तो आइए अब हम इसे खोल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो ये है एग, और ये छोटा है तो हमने काफ़ी बीच में रख ली वरना बाहर ही होता। और ये हनी के पैक बीच में रखने ज़रूरी। ये आई मास्क है एक, इसी में ट्री, और ये इसमें चीज़, और ये अमूल चीज़, ये है वनीला एसेंस, और ये इलायची फ्लेवर, और ये फूड कलर हमने जो यूज़ करते हैं वही। और ये नीचे वाले सेक्शन में हम दिखाते हैं आपको, ये हमने टमाटो केचप का ये पाउच रखा हुआ है, और ये बेकिंग पाउडर वगैरह के डिब्बे हैं, बाहर नहीं रख सकते। ये हमारी इमली भी है, इसमें मैंने रखी हुई है पकी हुई, और ये जैम, और ये चटनी है, और ये देखिए। तो अब इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी रखे हैं, और ये वेज मंचूरियन का पैक है। और आप सबसे नीचे वाले में चलते हैं, तो नीचे वाले में ये हमने सारे मसाले ही रखे हुए हैं। इसमें क्या दिखाना है, इसमें मसाले हैं सारे। और ये देखिए केसर को भी आप फ्रिज में रखा करिए, अगर केसर आप बाहर रखेंगे तो केसर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इसमें केसर है, ये देखिए, और ये केसर है, और ये हमारे विनेगर हैं, और फिर अभी इधर इस साइड में हमने ऊपर वाले रूम में रखा है ये चॉकलेट्स। इसके ऊपर का कवर है, लेकिन ये कवर इसमें ये है, लेकिन हम कवर अभी बंद करके नहीं रखे हैं, इसके थोड़ा सा उसको अटैचमेंट प्रॉब्लम आ रही है तो इसको नहीं लगाया है। और इसमें मैंने बताया ना था कि इसमें मैं लिपस्टिक वगैरह रख देती हूँ यहीं पर, और ये यहाँ ग्लूकोन डी का पैक है, उसको भी मैं रख देती हूँ इसी में। और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हम रोज़ निकाल लेते हैं कभी कभार, तो ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो पैकिंग में ही हैं सारे, लेकिन इसी में मैंने रखे हैं। और ये हमारा इस वाली लाइन में ये अचार, और ये चैन प्रास, और ये जो रोज के हम लोग बिस्किट यूज़ करते हैं और नमकीन, तो वो पाउच खुल जाते हैं तो वो भी इसी में रख देती हूँ। और ये पीनट बटर या कोई भी बटर हो तो आप इसी में रखिए। ये देखिए अमूल बटर भी रखा हुआ है, तो इसको मैंने इसमें रखा हुआ है। और ये मैंने यहाँ पर धुल के रख लिया है नींबू मिर्ची और ये टमाटो वगैरह, तो इसलिए क्योंकि नीचे वाला मैं अब स्पेस आपको दिखाऊंगी, तो उसमें ये है कि मिल्क वगैरह भी हम इसी में रख लेते हैं। और इस वाले रो में जो है बना हुआ जैसे कोई खाना हुआ तो वो रख लेते हैं, और नीचे में बॉटल्स आ जाती हैं क्योंकि इधर बॉटल्स कम पड़ जाती हैं फैमिली के हिसाब से। तो ये हमारे इसमें, और ये फ्रूट्स वगैरह हमने इधर एक सेपरेट बनाया हुआ है, तो इसमें ऐसी ही बास्केट मिल रही है हमको वेजिटेबल के लिए अकेली, लेकिन सैमसंग का था तो उसमें डबल ऐसे था, तो उसमें अलग अलग थी वेजिटेबल की अलग और फ्रूट्स की अलग थी, तो उसमें ज़्यादा मतलब इस तरह हमको रखना नहीं पड़ता था। लेकिन इसको जब मैंने लिया तो इसमें और सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बास्केट में
डबल साइड नहीं दिया हुआ है, और सैमसंग वाले फ्रिज में डबल आपको ये डबल मिलता है और इसमें सिंगल मिलता है, तो इसमें आपको सेपरेट करना पड़ता है जी। यही है ऐसे फ्रिज। और ये देखिए इसमें ये आइस ट्रे में भी है, और इसमें अभी आइस ट्रे है, और इसके लिए दो हमने इसमें ये भी मिली हुई नहीं थी इसके साथ, लेकिन हमने लेके रखी है छोटी छोटी, बच्चों को कम बर्फ छोटे पसंद होते कभी कभी तो। और ये देखिए फ्रेंच फ्राइज के पैक तो इसी में रखेंगे, तो ये इसी में सब रखते हैं, ये आए कॉर्न रखते हैं इसके, और ये ग्रीन मटर है, और इसी में हमने रखा हुआ है ये कॉर्नफ्लेक्स, वैसे कॉर्नफ्लेक्स इसमें रख दिया है, आजकल मौसम की वजह से इसमें रखना पड़ रहा है, और जब खाना होता है तभी इसमें गर्म मिल्क में निकाल लेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं होता वैसे तो इसमें। तो मैंने देख सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है बस केवल, और एक छोटा सा बस सॉफ्ट टॉयज है, और ज़्यादा इसको कोई सामान नहीं इस पर रखना चाहिए। और इधर ये इसको जो हमने इस पर कवर डाल रखा है, तो इसका कवर ऐसे ही आता है, तो इसके लिए हमने रख रखा है, और इसमें कुछ भी चाबियाँ वगैरह आप रख सकते हो, तो ऐसे इसमें रखा है और ऐसे ही रखना है इसमें। तो अगर आपको ये पसंद आया हो आज हमारा फ्रिज टूर, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। और हाँ, आप थोड़ा थकावट आने के बाद में, सुबह से सारे काम करने के बाद अब जो फ्रिज टूर हो गया है, तो चलिए आप लोग